सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ बेसिकली सार्कोइडोसिस। सो अपन रिमेटोलॉजी डिस्कस करें, जिसमें कि अपना नेक्स्ट वीडियो है सार्कोइडोसिस के ऊपर। ओके, सो जो भी सार्कोइडोसिस के बेसिकली पेशेंट होंगे, दैट मे प्रेजेंट विथ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और दे मे प्रेजेंट विथ अर्थराइटिस और वेस्कुलाइटिस। ओके, सो पेशेंट ऑफ सार्कोइडोसिस मे प्रेजेंट विथ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और अर्थराइटिस और बेसिकली वेस्कुलाइटिस। तीनों में से बेसिकली किसी के साथ भी इनका प्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट बेसिकली आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि ये जो सार्कोइडोसिस है, बेसिकली दिस इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ये बहुत सारे सिस्टम को बेसिकली आपका इन्वॉल्व करेगा। सो आई एम कॉलिंग इट इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज बेसिकली। साथ में इस डिजीज़ का HLA के साथ एसोसिएशन भी होता है। बेसिकली HLA ससेप्टिबिलिटी भी देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि बेसिकली बात करेंगे HLA-B8। सो HLA-B8 का तो एसोसिएशन है ही, लेकिन इसका एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि HLA-B8 पर प्रोग्नोसिस आपका डिपेंड नहीं करता है। एसोसिएशन तो होगा HLA-B8 के साथ, लेकिन प्रोग्नोसिस डिपेंड नहीं करेगा। साथ में HLA-DRB1-03 हो गया आपका, HLA-DRB1-04 हो गया, फिर DQB1-02 हो गया। ये इन सब के साथ भी एसोसिएशन होता है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इन सब के साथ जब भी एसोसिएशन होता है तो गुड प्रोग्नोसिस होगा, अच्छा प्रोग्नोसिस होगा बेसिकली आपके सार्कोइडोसिस का। ओके, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सार्कोइडोसिस के बारे में, कि 2/3 जो पेशेंट है बेसिकली वो स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन कर जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, टू थर्ड ऑफ द पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली बेसिकली रिजॉल्व कर जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो पेशेंट है सार्कोइडोसिस के, दैट मे प्रेजेंट विथ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और अर्थराइटिस और वेस्कुलाइटिस, किस तरीके से बेसिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। देन आपको ध्यान रखना है कि ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। देन HLA के साथ एसोसिएशन होता है बेसिकली, HLA-B8 के साथ, DRB1 के साथ, DRB1-03 के साथ, देन DRB1-04 के साथ, देन DQB1-02 के साथ। ओके, ये ध्यान रखना अपन को। फिर बात करेंगे DRB1-03, DRB1-04 और DQB1-02 का जो बेसिकली एसोसिएशन होगा, दैट इज एसोसिएशन बेसिकली गुड प्रोग्नोसिस, ये अच्छे प्रोग्नोसिस साथ होंगे। फिर 2/3 क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियसली बेसिकली आपका रिजॉल्व कर जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है, सिंपल से पॉइंट्स है, जो कि बेसिकली ध्यान रखना अपन को। क्लियर है, ये एक सिंपल सा पॉइंट है बेसिकली, जो कि रखना हम लोग को ध्यान, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेसिकली। क्लियर है, चलिए अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब ये हमारा बेसिक डिस्कशन हुआ, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में कि 20% जो पेशेंट हैं उनमें बेसिकली क्रोनिसिटी दिखेगा। ओके, 20% पेशेंट में हमें क्रोनिसिटी देखने को बेसिकली मिलेगा। जो भी 20% पेशेंट होंगे उनमें क्रोनिसिटी देखने को मिलेगा, और इसमें से जो 5% है बेसिकली दे विल गो टू डेथ, उनमें डेथ होगा बेसिकली। और डेथ जो होता है मोस्ट कॉमनली आपका इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के कारण होगा। जो डेथ देखने को मिलता है वो मोस्ट कॉमनली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के कारण ही होगा बेसिकली। नाउ कुछ अनदर पैथोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये बेसिकली आपका CD4 टी सेल मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन होता है, और यहाँ पर हमको जो ग्रेनलोमा देखने को मिलेगा दैट विल बी नॉन कैजिएटिंग ग्रेनलोमा होगा हमारे पास। ओके, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनलोमा देखने को मिलेगा बेसिकली। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कि इसमें एक चीज़ मिलता है जिसको अपन बोलते हैं इम्यून पैराडॉक्स। ओके, इसमें हमारा इम्यून पैराडॉक्स मिलता है। ये इम्यून पैराडॉक्स क्या है ध्यान समझिएगा, कि इसमें आपका जो CD4 T सेल्स है, CD4 T सेल्स आपके एबंडेंट है, ठीक है, फिर भी आपको पेशेंट्स में इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ाव दिखेगा। CD4 एबंडेंट है फिर भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो इसी को बोलते हैं अपन, दिस इज द इम्यून पैराडॉक्स। CD4 T सेल नॉर्मल है फिर भी ज़्यादा है बेसिकली, फिर भी आपका इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस रहेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है बेसिकली। हमने बोला कि यहाँ पर नॉन कैजेटिंग ग्रेनोलोमा है, तो क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि व्हाट आर द अदर कॉजेज ऑफ नॉन कैजेटिंग ग्रेनोलोमा, तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली MCQ के लिए। पहला कॉज है आपका बेरिलियोसिस, दूसरा कॉज होगा आपके पास क्रोन्स डिजीज। ओके, तीसरा कॉज होगा आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, और चौथा आपके पास कैट स्क्रैच डिजीज। सो ये चार पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेसिकली। ओके, बेरिलियोसिस, क्रोन्स डिजीज, HSP एंड कैट स्क्रैच डिजीज। क्लियर, नाउ कमिंग टू द ऑर्गन्स इन्वॉल्व, बेसिकली क्या क्या ऑर्गन्स बेसिकली आपका इन्वॉल्व होंगे उसमें वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहला पॉइंट कि कोर
कोई भी एज के पेशेंट में, मैं कोई भी एज के पर्सन में ये हो सकता है। अब इसके लिए फीमेल इज मोर कॉमन देन मेल, देन ये किसी भी ऑर्गन को बॉडी में इन्वॉल्व कर सकता है, एनी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो बॉडी का वो इन्वॉल्व हो सकता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं स्किन से। सो स्किन में क्या दिखेगा आपको, देखो स्किन में आपको एक्यूट मैनिफेस्टेशन वाला दिखेगा और क्रोनिक वाला दिखेगा। तो एक्यूट में क्या क्या देखना देखने को मिलता है आपको, बेसिकली लेजेंस के रूप में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो आपको इर्दिमा नोडोसम देखने को मिल सकता है, यू मे गेट इर्दिमा नोडोसम। ओके, अच्छा उसमें भी पहले बात कर ले तो एक्यूट में आपको बेसिकली मिलता है क्या, लॉफग्रान सिंड्रोम। ओके, एक्यूट में क्या मिलेगा आपको, लॉफग्रान सिंड्रोम मिलता है। अब ये लॉफग्रान सिंड्रोम जो है इसमें क्या क्या आते हैं, तो इर्दिमा नोडोसम आएगा आपका, क्लियर। आपको अर्थराइटिस देखने को मिलेगा पेशेंट में, साथ में बाइलेट्रल लिम्फेडनोपैथी होगा आपका। सो ये तीन चीजें बेसिकली देखने को मिलता है आपको लॉफग्रान सिंड्रोम, ये ध्यान रखना आपको। जब भी अपन लॉफग्रान सिंड्रोम की बात करेंगे, ओके, जब भी अपन लॉफग्रान सिंड्रोम की बात करेंगे तो उस लॉफग्रान सिंड्रोम में आपको इर्दिमा नोडोसम, बाइलेट्रल लिम्फेडनोपैथी और अर्थराइटिस जैसा फीचर्स देखने को मिलेगा। सो इसको इस टाइम मार्क कर लो आप, ठीक है, लॉफग्रान सिंड्रोम हो गया। सेकेंड इसी में आपका क्या आता है, हियर्ड फोर्ट्स सिंड्रोम। ये अपना है हियर्ड फोर्ट्स सिंड्रोम, इसमें बेसिकली क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, सो यू मे गेट यूवीआईटिस, यू मे गेट पैरोटाइटिस, यू मे गेट बाइलेट्रल, ओके, एलिमेंट सेवेंथ नर्व पाल्सी, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन सेवेंथ नर्व पाल्सी होगा आपका, ये हियर्ड फोर्ट्स सिंड्रोम हो गया। तो ये दो मैनिफेस्टेशन आपको ध्यान रखना है इसके लिए, एक्यूट मैनिफेस्टेशन है ये, ठीक है। पहला है लॉफग्रान सिंड्रोम, दूसरा आपका हियर्ड फोर्टिस सिंड्रोम। लॉफग्रान सिंड्रोम में तीन चीजें है इसके लिए आपके पास, इर्दिमा नोडोसम है आपके पास, देन बायलेटरल लिम्फेडनोपैथी आपके पास, अर्थराइटिस है। फिर बात कर रहे हैं हियर्ड फोर्टिस सिंड्रोम का, तो यूवीआईटिस है, पेरोटाइटिस है आपका और बायलेटरल लोअर मोटर न्यूरोन सेवेंथ नर्व पाल्सी होगा। देन अपन आते हैं इसी के क्रोनिक मैनिफेस्टेशन में, कि क्रोनिक में इसके लिए क्या क्या मिलेगा, तो क्रोनिक में क्या क्या मिल सकता है इसके लिए, सबसे पहला आपके पास क्रस्टेड इर्दिमेटस मैक्टुलोपैपुलर लेजन देखने को मिलेगा आपको फेस पर। ओके, क्रस्टेड इर्दिमेटस मैक्टुलोपैपुलर लेजन देखने को मिलेगा आपको फेस पर, ये बेसिकली आपके क्रोनिक मैनिफेस्टेशन में आएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सेकेंडली अपन आईज में आते हैं, सो आईज में ध्यान रखना क्या, कि यहाँ पर आपको क्रोनिक एंटीरियर यूवेटिस मिलेगा, ये मोस्ट कॉमन होगा, क्रोनिक एंटीरियर यूवेटिस फॉलोड बाई एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस फॉलोड बाई पोस्टीरियर यूवेटिस, ठीक है। तीसरा अपन आते हैं लंग्स में, लंग्स में क्या देखने को मिलेगा, तो लंग्स में एक और ध्यान, लंग्स जो आपका ये मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व होगा। ओके, मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो साइकोरोसिस में बेसिकली इन्वॉल्व होता है, दैट विल बी आवर लंग्स। और क्या क्या मिलेगा लंग्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण, फीवर, माइल्जिया होगा आपका, वेट लॉस दिखेगा, साथ में नॉन स्पेसिफिक कफ के भी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं हमको। तो फीवर, माइल्जिया, वेट लॉस और कफ, ये कुछ बेसिकली फीचर्स है जो कि हमको लंग मैनिफेस्टेशन के रूप में देखने को मिल सकता है। ओके ना, फीवर, माइल्जिया, वेट लॉस एंड कफ। और ध्यान रखना, और एक और चीज़ है इसके लिए, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरे में क्या दिखेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइलर लिम्फेडनोपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइलर लिम्फेडनोपैथी आपको एक्सरे में देखने को मिलेगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका, क्लियर। चलिए अब हम लोग इसी एक्सरे के बेसिस पर स्टेजिंग भी करते हैं, चेस्ट एक्सरे के फाइंडिंग के बेसिस पर स्टेजिंग करते हैं और उसको नाम देते हैं बेसिकली स्कैडिंग स्कोरिंग सिस्टम। ओके, स्कैडिंग स्कोरिंग सिस्टम जो आपका स्टेज वन होगा बेसिकली, उसमें हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, बाइलेट्रल हाइलर एडिनोपैथी। ओके, बाइलेट्रल हाइलर एडिनोपैथी होगा आपका। जो स्टेज टू होगा इसमें करते हैं हम लोग बाइलेट्रल हाइलर एडिनोपैथी तो है ही, साथ में आपको चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलेगा, बाइलेट्रल हाइलर लिम्फेडनोपैथी के साथ साथ आपको इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलेगा। स्टेज थ्री की बात करेंगे हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट्स होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फिल्ट्रेट होगा। ओके, और ये जो इन्फिल्ट्रेट है इसके लिए क्या देगा हमें, ग्राउंड ग्लास ओपेसिफिकेशन देगा हमारा, ठीक है। और ये जो बेसिकली इन्वॉल्व करता है आपके लंग्स को, तो वो अपर लोब को बेसिकली इन्वॉल्व करता है, ध्यान रखिए, अपर लोब को इन्वॉल्व करता है। एकमात्र कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जो कि अपर लोब को इन्वॉल्व करता है, जनरली जितने भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जो कि लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं तो वो बेसिकली लोअर लोब को इन्वॉल्व करते हैं, ये एकमात्र ऐसा है जो कि अपर लोब को इन्वॉल्व करता है, ध्यान रखना है। तो स्टेज वन में सिर्फ बायलेटरल हायर लिम्फेडनोपैथी मिला, स्टेज टू में दोनों मिला, स्टेज थ्री में इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहा है जो कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिफिकेशन दे रहा है आपका।
स्टेज फोर में आएंगे तो फाइनल स्टेज होगा अपना, और यहाँ में फाइब्रोसिस बेसिकली शुरू हो जाएगा। रूमेटोलॉजी में हम बता दिए कि आपका सॉरी कनेक्टिव डिसऑर्डर में एकमात्र है सार्कोइडोसिस जो कि बेसिकली अपर लोब को इन्वॉल्व करता है। पूरे रूमेटोलॉजी में बात करोगे बेसिकली अपर लोब को कौन कौन इन्वॉल्व करता है पूरे रूमेटोलॉजी में, तो तीन ही है, एंकाइलेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया आपका, एंड सोरिएटिक लंग डिजीज, ये तीन है मात्र। ओके, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, देन सार्कोइडोसिस, देन सोरिएटिक लंग डिजीज आपका, और बाकी सब के सब आपके अपर लोब को इन्वॉल्व करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ इस स्कैडिंग स्कोरिंग सिस्टम को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक और एमसीक्यू आता है, दैट इज द गार्डलैंड साइन। गार्डलैंड साइन में इसके लिए किसको बोलते हैं अपन? सो आपका क्या हो, राइट प्लस लेफ्ट हाइलर लिम्फेडनोपैथी हो, प्लस इसके साथ साथ क्या आपको राइट पैराट्रेकियल एडिनोपैथी देखने को मिले, राइट पैराट्रेकियल एडिनोपैथी देखने को मिले। ओके, सो राइट एंड लेफ्ट हायर लिम्फेडनोपैथी के साथ साथ राइट पैराट्रेकियल एडिनोपैथी मिले, उसी को बोलते हैं अपन गार्लैंड साइन। मतलब एक्सरे पर देखोगे तो ऐसा लगेगा गार्लैंड की तरह है, ठीक है, मैच करोगे आप राइट एंड लेफ्ट को। तो ये हुआ बेसिकली लंग्स मैनिफेस्टेशन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ, दैट इज योर कार्डियक। सो कार्डियक में आपको क्या देखने को मिलता है? हमें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कंडक्शन डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके, और साथ में रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी देखने को मिल सकता है आपको, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। पांचवे में आते हैं अपन हेपेटिक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेटिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस देखने को मिल सकता है आपको, इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस। और बाद में आएंगे अपन रीनल पर, तो रीनल में क्या देखने को मिलता है? क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज देखने को मिलता है बेसिकली हमें यहाँ पर, ओके। सातवां आएंगे हम लोग यदि हेमेटोलॉजी की बात करेंगे, तो हेमेटोलॉजी में पहले बात कर चुके हैं, एक तो हमें लिम्फेडनोपैथी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ओके, हमने पहले डिस्कस कर लिया लिम्फेडनोपैथी के बारे में, तो लिम्फेडनोपैथी मिलेगा। साथ में वी मे गेट स्प्लिनोमिगेली, हमें स्प्लिनोमिगेली भी मिल सकता है। स्प्लिनोमिगेली बेसिकली क्यों मिलता है? ड्यू टू हाइपर स्प्लिनिज्म। तो हाइपर स्प्लिनिज्म के कारण आपको क्या मिलेगा? बेसिकली स्प्लिनोमिगेली के भी फीचर्स देखने को मिलेंगे, ओके। ये हुआ आपका हिमेटोलॉजी। एट्थ आते हैं अपन, दैट इज मेटाबोलिक। सो मेटाबोलिक का चर्चा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? बेसिकली यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया मिलता है देखने को हमको, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया वी विल गेट हियर। सो ये हो गया एट। नाइन्थ आते हैं अपन, नाइन्थ बेसिकली अपना न्यूरोलॉजिकल फीचर्स। सो यहाँ पर क्या मिलता है हमें? बाइलेटरल एलिमेंट सेवेंथ नर्व पाल्सी दिखेगा हमें, ओके, बाइलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन सेवेंथ नर्व पाल्सी देखने को मिलेगा। और ध्यान क्या रखना है, डीडी क्या होगा? बाइलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन सेवेंथ नर्व पाल्सी यदि हो रहा है तो डीडी हमें ध्यान रखना है इसका। तो एक तो आपका हो गया सार्कोइडोसिस, दूसरा हो गया आपका ग्लूटेन सिंड्रोम, तीसरा हो गया आपका डिप्थेरिया होता है, और चौथा इसके लिए आपके लाइम्स डिजीज होते हैं। तो चार आपको सोचना है जब भी आपको बाइलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन सेवेंथ नर्व पाल्सी दिया हो, सार्कोइडोसिस हो सकता है, ग्लूटेन सिंड्रोम, डिप्थेरिया एंड लाइम्स डिजीज, ये चार इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, क्लियर। साथ में पिट्यूटरी स्टॉक का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, दैट विल लीड टू सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस करा सकता है। साथ में ट्रांसवर्स माइलाइटिस, हाइपोथैलेमिक इन्वॉल्वमेंट, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। ये सब बेसिकली फीचर्स हो गए जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस। सो यदि आप ओल्ड मेथड से जाओगे तो हम लोग कराते थे गैलियम 76 स्कैन का, तो इस गैलियम 76 स्कैन को कराने के बाद आपको क्या मिलता था? उसमें पांडा साइन मिलता था या आपको लैम्डा साइन मिलता था, पांडा साइन या लैम्डा साइन, बट दिस इज नाउ आउटडेटेड। ये पांडा साइन या जो आपके पास लैम्डा साइन है, दिस इज आउटडेटेड टोटली। नाउ डेज हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा हमारा? पेट स्कैन होगा प्लस बायोप्सी करेंगे हम लोग। अब जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बन चुका है, दैट इज पेट स्कैन प्लस बायोप्सी जी, ओके, हम लोग बेसिकली पेट स्कैन के लिए जाएंगे। पेट स्कैन के साथ साथ आप बेसिकली बायोप्सी के लिए जा सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट से बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो गया आपका पेट स्कैन प्लस बायोप्सी। पहले हम लोग क्या करते थे? गैलियम 67 स्कैन करते थे। बस इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि पांडा साइन या लैम्डा साइन बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, तो सार्कोइडोसिस से करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछेगा तो पेट स्कैन प्लस बायोप्सी होगा अपना। हम लोग बेसिकली एस लेवल को मेजर करते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस लेवल यदि आपका नॉर्मल है तो दैट कैन बेसिकली रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ सार्कोइडोसिस। तो एस आपका यदि नॉर्मल है तो वो आपका रूल आउट कर सकता है बेसिकली सार्कोइडोसिस के प्रोबेबिलिटी को, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब एस बेसिकली हाई कहाँ कहाँ होता है, कि क्या क्या डीडी होंगे यदि एस हाई मिले आपको? तो पहला गौचर्स डिजीज हो सकता है, मिलियरी टीबी हो सकता है आपका, देन लेप्रसी हो सकता है, देन हाइपर थायरॉइडिज्म हो सकता है आपका। ये
4 से 5 केसेस है बेसिकली जहाँ पर कि आपको एस हाई मिलेगा। ओके, गॉचर्स डिजीज, मिलियरी टीबी, लेप्रसी और हाइपरथायरॉइडिज्म, ये 4 के 4 केसेस है जहाँ पर कि बेसिकली आपको एस जो है वो हाई अमाउंट मिलेगा देखने में। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट में अपन आए, सो इन ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, यदि ब्रोंको एल्वियोलर लवाज करते हैं अपन तो CD4 अपॉन CD8 का जो रेशियो है ओके वो आपको हाई मिलेगा इन सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस के पेशेंट में CD4 अपॉन CD8 का जो रेशियो होता है ये ज़्यादा मिलता है, जबकि CD8 अपॉन CD4 का रेशियो यदि ज़्यादा मिले तो दैट विल द केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। सो CD4 अपॉन CD8 ज़्यादा मिल रहा है तो दैट इज इंडिकेटिंग ऑफ द सार्कोइडोसिस, और यदि आपको CD8 अपॉन CD4 ज़्यादा मिल रहा है तो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। क्लियर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये एस, पेट स्कैन, बायोप्सी, गैलियम स्कैन, ये सब इसके इन्वेस्टिगेशन में आएगा, और ब्रोंको एल्वियोलर लवाज पर आप CD4 अपॉन CD8 का रेशियो देख सकते हो। हमने पैराडॉक्सिकल रिस्पांस के बारे में पहले ही बात कर लिया था इम्यून पैराडॉक्स के बारे में, क्योंकि CD4 बढ़ा आपका फिर भी बेसिकली इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली कंसेप्ट है जो कि ध्यान रखना अपन को। तो हमने बताया था बेसिकली आपको इम्यून पैराडॉक्स के बारे में, एक और पैराडॉक्स होता है इसके यहाँ पर क्लिनिकल पैराडॉक्स होता है। क्लिनिकल पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका लंग डिजीज वर्सन होता है वैसे वैसे जो नोडल इनलार्जमेंट है वो आपका रिग्रेस करेगा। तो देखो लंग डिजीज वर्सन हो रहा है, नोडल इनलार्जमेंट जो है वो रिग्रेस कर रहा है आपका, ये भी ध्यान रखना आपको। और हम मार्कर्स की बात करें तो हम पहले बात कर चुके हैं, एस इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर। एस के अलावा भी पूछा जाता है आपका सीरम एमाइलॉइड ए पूछा जाता है, साथ में आपका सोल्यूबल इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स, ये ध्यान रखिए। कुछ बेसिकली मार्कर्स हो गए आपके पास, एस, सीरम एमोलाइड ए और सोल्यूबल इंटरल्यूकिन 2। ओके, ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना है आपको बेसिकली। नाउ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमें किसी तरीके का कोई भी ड्रग रिक्वायर्ड नहीं होता हमें। ओके, ऑप्शनल है, आप स्टेरॉयड दे सकते हो लेकिन ऐसे कोई ड्रग रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। एक्यूट केस में बेसिकली बात करेंगे अपन, एक्यूट केस की बात करें तो। क्रोनिक केस की बात करोगे तो आपको स्टेरॉयड देना पड़ेगा प्लस मेथोट्रेक्सल देना पड़ेगा या एजाथेरपिन देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेकंड लाइन ड्रग में क्या होगा, एंटी TNF अल्फा होगा आपका। ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना, दिस इज ऑल अबाउट द सार्कोइडोसिस। थैंक यू।